हेलो गाइज तो कैसे हो आप लोग आई होप सबके सब बड़े हो गए और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने किसी भी आई डिवाइस से किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में या फिर एंड्रॉइड से आई में जो फाइल्स हैं उनको इजीली कैसे शेयर कर सकते हो तो कोई भी बंदा अगर एक न्यू आई डिवाइस परचेज करता है फर्स्ट टाइम पर या फिर बाद में भी तो उसको ये दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है क्योंकि हम कुछ भी अगर डाटा हमारा पुराने एंड्रॉड से आई में शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर बीच में अगर आपने कोई इमेजेज वगैरह क्लिक किए हैं वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं और आप चाहते हो कि अपने एंड्रॉयड में उसको ट्रांसफर करो तो आपके पास कोई ऐसा जेनवन मेथड नहीं है जो कि आप यूज़

एप्लीकेशन और आपको कैसे कैसे यूज करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए वीडियो कर लेते स्टार्ट तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको दोनों ही एंड्रॉइड और आई डिवाइस के अंदर एक जियो स्विच नाम की एप्लीकेशन देखने को मिलेगी आपको ये वाली डाउनलोड कर लेनी है जस्ट लाइक like ये देख सकते हो ब्लू कलर की जियो स्विच अप्लीकेशन आपको ये डाउनलोड करनी है मैंने डाउनलोड कर रखी है उसके बाद क्या करना है आपको डायरेक्ट इन दोनों अप्लीकेशन को ओपन करना है तो दोनों ही अपलीकेशन को ऑन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है मेल नहीं यहाँ पर आपको सेंड और रिसीव दो ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो मैं आपको है ना एक बार आईओएस से एंड्रॉड में करके दिखा देता हूँ क्योंकि एंड्रॉइड से आप डायरेक्ट आई में करोगे तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना सिंपली कनेक्ट हो जाएगा बट जब आईओएस से आप एंड्रॉइड में करते हो ना तब आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है तो मैं यहाँ पर रिसीव पे ऊपर क्लिक करूंगा और अलावेंस पे करता हूँ और मैं यहाँ से सेंड पे क्लिक करता हूँ तो मैं सेंड के लिए कुछ फोटोज चूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर फोटोज में जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने दो फोटोज सेलेक्ट कर ली हैं और इनको मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ अब ये शो कर रहा है कि आपको इस वाईफाई से कनेक्ट होना है तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा रिसीव डाटा फ्रॉम आईफोन तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे को वाईफाई ऑन करने का ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ से इसको अलाउ वंस करता हूँ तो आपको एंड्रॉइड में नहीं यहाँ पर एक वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको आई डिवाइस पे जाना है वाईफाई पे जाके और आपको ये वाला जो यहाँ पर शो कर रखा है ना डायरेक्ट करके आपको इसके ऊपर कनेक्ट करना है और पासवर्ड नीचे वाला यूज़ करना पड़ेगा तो मेरे में ऑलरेडी कनेक्टेड है क्योंकि मैंने पहले इसको ट्रांसफ़र कर रखा है तो ये रिकॉगनाइज कर लेता है तो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाने के बाद क्या करना है आपको देख सकते हो मेरा डिवाइस शो कर चुका है रेडमी फाइव और जो स्पीड है ना ट्रांसफर की वो आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड करेगी आई में तो आपको अच्छी स्पीड मिलेगी बट जो एंड्रॉइड है अगर उसके अंदर ब्लूटूथ का वर्जन फाइव होगा तो आपको बेटर स्पीड मिलेगी बट मेरा डिवाइस काफ़ी पुराना है तो यहाँ पर मेरे को स्पीड थोड़ी कम मिलती है बट हाँ चलता है ट्रांसफर होनी चाहिए फाइल्स तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और देख सकते हैं हमारी जो दोनों फोटोज़ हैं वो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ और नोट नाव हम कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इस डिवाइस में दो फोटोज सेंड की हैं और मैं चाहूँ तो इन फोटोज़ को यहाँ पर ओपन करके भी देख सकता हूँ व्यू ऑल पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी जो दो फोटोज़ थी मैंने सेंड की थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं और वहीं पर बात करें सेम तरीके से आप वीडियोज भी सेंड कर सकते हो और सेम तरीके से मतलब कि दूसरी फाइल्स भी सेंड कर सकते हो बट ये वाली जो वीडियो फाइल्स होंगी ना ये आपको अपनी फोटोज अपलीकेशन में नहीं मिलेंगी आई डिवाइस के अंदर उसके लिए आपको मतलब कि वी एल सी वगैरह थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करने पड़ेंगे ट्रांसफर के लिए तो अब मैं बात करता हूँ कि आप किसी भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस से आई डिवाइस में फाइल कैसे ट्रांसफर कर सकते हो तो इसके लिए आपको रिसीव पर क्लिक करना है आई डिवाइस के अंदर और यहाँ पर सेंड करना है तो यहाँ से मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं फोटोज में चला जाता हूँ और यहाँ से मेरे पास कुछ दो ये ये मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इनको डन करता हूँ इसके बाद मैं यहाँ से सेंड करता हूँ और अलाउ वंस करते हैं फिर दोबारा अलाउ वंस करते हैं और यहाँ पर नीचे लिख के आ रहा है सेंड डाटा टू आईफोन तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और आपको सेम प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा कि इसी वाईफाई से आपको कनेक्ट हो रहा है और नीचे पासवर्ड दे रखा है ये मतलब कि दोनों टाइप आप चाहे आईफोन में रिसीव करो या फिर आईफोन में सेंड करो आपको आईफोन के वाईफाई में जाके इसको कनेक्ट करना पड़ेगा मेरा यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्टेड है आप देख सकते हो तो इस वजह से मेरा यहाँ पर देख सकते हो बाक्स आईफोन करके मेरा आ चुका है मैं कंटिन्यू करता हूँ और इसके ऊपर ट्रांसफर करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरी जो दोनों फोटोज़ हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो चुकी हैं और मैं यहाँ से यहाँ पर अगर डन करूँ तो हमारी जो दोनों फोटो है वो आ चुकी है तो ये दोनों फोटोज ना आपको शो हो जाएंगी उसके लिए क्या करना है आपको अपनी मतलब की जो फोटोज वाली एप्लीकेशन है उसमें चले जाना है तो मैं एक बार फोटोज वाली एप्लीकेशन में चला जाता हूं और यहां पर आपको जाना है अपनी एल्बम्स में जाके रिसेंट में और रिसेंट में जाके आप देख सकते हो कि जो दो मैंने फोटो सेंड की थी वो यहाँ पर आपको मिल चुकी हैं तो ये वो ऐप है जो कि आप जा जगह पर यूज कर सकते हो अपने किसी भी एंड्रोयड या आईओ डिवाइस से फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए और स्पीड भी काफी अच्छी आ जाती है और ईजीली आप ट्रांसफर ही कर सकते हो मैंने आपको मतलब कि इजिली करके भी दिखाया है तो ये थी सिंपल से शॉर्ट वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी अच्छे और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना यार ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता